नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल आशीष झा। तो चलिए आज के वीडियो में मैं आप लोगों को 5 अगस्त 2020 के 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन के साथ। पहला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने किससे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की COVID-19 की वैक्सीन का ट्रायल जो है भारत में करने के लिए मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में 3 पॉइंट उठकर आ रहे हैं। तो जो है भारत में जो है इसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को दे दिया गया है करने के लिए। इसका जो ट्रायल है भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को करने के लिए दिया गया है। तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की COVID-19 वैक्सीन का ट्रायल भारत में करने के लिए मंजूरी दे दी है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इस वर्ष अगस्त में आखिरी हफ्ते में दूसरे और तीसरे चरण मैं वैक्सीन का ट्रायल जो है शुरू करेगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको 3 पॉइंट नज़र आएंगे जिसको मैं अभी शॉर्ट आउट करूंगा। तो पहला पॉइंट जो है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, और दूसरा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, और तीसरा है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तीनों को मैं आपको डिटेल से बता रहा हूँ, देखिए आप वीडियो को। पहला ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया इज ए डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डिपार्टमेंट है, जिसका जो ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोलर का जो इसका मेन कार्य है, और इसका जो हेड क्वार्टर लोकेशन है दोस्तों न्यू दिल्ली में जो है इसका हेड क्वार्टर है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इज़ ए कॉलिगेट रिसर्च यूनिवर्सिटी इन ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है जो इंग्लैंड में है, और ये जो यूनिवर्सिटी है ये सबसे पुराना इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड का जो है, यह सबसे इंग्लिश का जो यूनिवर्सिटी है या पूरे वर्ल्ड का जो है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी सबसे पुराना यूनिवर्सिटी है, ठीक है। एक्सेप्टेंस रेट है दोस्तों इसका 17.5%, और इसकी जो स्थापना हुई है ऑक्सफोर्ड यूनाइटेड किंगडम में, और इसका जो अंडर ग्रेजुएट ट्यूशन का फी जो है 9250 GBP है 2017-18 के अनुसार। सब्सिडरी जो इसकी चलती है बेलिलोल कॉलेज, जो इसके अंदर के जो जितने भी कॉलेज चलते हैं इसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर, वो हो गया बेलिलोल कॉलेज, क्रिस्ट चर्च सेट बिजनेस स्कूल और मैकडेनल कॉलेज, और इसके जो वाइस चांसलर है वो है लोइस रिचर्डसन। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में जान लेते हैं पूरी डिटेल से दोस्तों। यह जो है यह प्राइवेट लिमिटेड टाइप इंडस्ट्री जो है, यह फार्मास्यूटिकल वैक्सीन का जो इसका इंडस्ट्री है, वह वैक्सीन जितने भी ड्रग होते हैं दवाई वगैरह उसका यह इंडस्ट्री है, और इसकी जो स्थापना हुई, इसके जो फाउंडर है, इसके जो संस्थापक है वह क्राइस एस पुनेवाला है, और हेड क्वार्टर जो इसका है पुणे इंडिया में है। की पीपल जो इसके अदर पुनेवाला प्रेसिडेंट, रेवेन्यू जो इसका होता है 595 मिलियन, नेट इनकम जो है 295 मिलियन, ठीक है दोस्तों। दो नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस मंत्रालय ने हाल ही में रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्धन नीति 2020 का जो है मसौदा तैयार किया। तो किस मंत्रालय की तरफ से रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्धन नीति 2020 का जो है मसौदा तैयार किया गया। तो रक्षा मंत्रालय की तरफ से रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्धन नीति 2020 का जो है मसौदा तैयार किया गया रक्षा मंत्रालय की तरफ से। हाल ही में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत रक्षा विनिर्माण के क्षेत्र में देश को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से रक्षा मंत्रालय ने रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्धन नीति 2020 का मसौदा तैयार किया, जिसके तहत देश की रक्षा उत्पादन क्षमता जो है उसको प्रोत्साहित करके देश को आगे की तरफ बढ़ाना है और देश को आत्मनिर्भर बनाना है। डिफेंस रक्षा मंत्रालय के बारे में जान लेते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इज चार्ज्ड विद कोऑर्डिनेटिंग एंड सुपरवाइजिंग ऑल एजेंसीज एंड फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट रिलेटिंग डायरेक्टली टू नेशनल सिक्योरिटी एंड द नेशनल आर्म फोर्स। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द सेरेनोमिकल कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म फोर्स ऑफ द कंट्री। तो जो भारत के राष्ट्रपति वो सर्वोच्च होते हैं आर्म फोर्स के, जितने भी फोर्सेज हैं इंडिया के अंदर उसके प्रधान जो सेनापति होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। इसके जो प्रेसिडिंग मिनिस्ट्री है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है, हेड क्वार्टर दोस्तों है डिफेंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो हेड क्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में। इसकी स्थापना हुई है 15 अगस्त 1947
15 अगस्त जब भारत स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 को ही इसका स्थापना की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की। 3 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के किस राज्य के उत्तराकाशी वन प्रभाग क्षेत्र में जल्दी हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई थी। भारत के राज्य उत्तराखंड में उत्तराकाशी वन प्रभाग क्षेत्र जल्दी हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित की जाएगी। तो उत्तराखंड ऐसा राज्य है, उत्तराखंड राज्य के उत्तराकाशी वन प्रभाग, उत्तराखंड राज्य में उत्तराकाशी वन प्रभाग है जिसके क्षेत्र में जल्दी हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है। साथ ही राज्य में शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जो है हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं दोस्तों, कंट्री हो गया इंडिया, इसकी जो स्थापना उत्तराखंड की स्थापना दोस्तों 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड की स्थापना हुई। इसकी राजधानी, दो राजधानी इसके गैरसैन समर ऋतु में और देहरादून, जो इसके विंटर ऋतु में इसकी जो राजधानी वह देहरादून हो जाती है और समर ऋतु में इसकी गैरसैन राजधानी है। लार्जेस्ट सिटी जो है का सबसे बड़ा शहर वह देहरादून है। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आप लिस्ट दे सकते हो, अल्मोड़ा हो गया, बागेश्वर हो गया, चमोली हो गया, चंपावत हो गया, देहरादून हो गया, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरगढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, ये सारे के सारे जो है उत्तराखंड राज्य के जो है डिस्ट्रिक्ट है। गवर्नर है यहाँ के दोस्तों बेबी रानी मौर्य, यहाँ की जो है राज्यपाल है, गवर्नर है बेबी रानी मौर्य और चीफ मिनिस्टर है त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो बीजेपी पार्टी के है त्रिवेंद्र सिंह रावत। चीफ जस्टिस जो है कि मुख्य न्यायाधीश है रवि विजय कुमार मलिमत। स्पीकर ऑफ द असेंबली जो है प्रेमचंद्र अग्रवाल बीजेपी पार्टी के, और लेजिस्लेचर स्टेट लेजिस्लेचर यूनिकैमरल उत्तराखंड लेजिस्लेटिव असेंबली और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। राज्यसभा की यहाँ टोटल 3 सीट है और लोकसभा के टोटल 5 सीट, और यहाँ के जो एरिया क्षेत्रफल वह 53,483 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। 4 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अब तक 6 वर्षों में कितने करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले जा चुके हैं। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अब तक पूरे भारत में 6 वर्षों के अंदर 40 करोड़ से अधिक बैंक खाते जो है खोले जा चुके हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अब तक 6 वर्षों में 40 करोड़ से अधिक बैंक खाते खुल चुके हैं। केंद्र सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक प्रधानमंत्री जनधन योजना के जारी होने के बाद 6 वर्षों में लगभग 40 करोड़ 5 लाख लोगों के जनधन खाते जो है खोले जा चुके हैं। तो इस योजना को शुरू हुए दोस्तों 6 साल हो चुके हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में जान लेते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री जनधन योजना जिसका शॉर्ट नेम है PMJDY, प्रधानमंत्री जनधन योजना राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन एक मिशन है। वित्तीय सेवाएं किफायती तरीके से बैंकिंग बचत और जमा खाते प्रेषण क्रेडिट बीमा पेंशन हो सकती है। इसकी घोषणा 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से लाल किले के प्राचीर से की गई थी। तो मैंने आपको बताया कि इसको अब 6 साल पूरे हो चुके हैं जिसके अंदर जो है 40 लाख से अधिक खाते दोस्तों 40 करोड़ से अधिक खाते जो है इस योजना के अंतर्गत खोले जा चुके हैं। इसकी जो घोषणा हुई थी 15 अगस्त 2014 को की गई थी, तो अब इसके जो है 6 साल लगभग पूरे हो चुके हैं इस योजना के। कार्यक्रम का जो शुभारंभ है 28 अगस्त को किया गया था। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे एक उत्सव के तौर पर मनाने की बात कही थी, क्योंकि इसके द्वारा गरीब जनता कुचक्र से निजात पाने जा रही थी। उन्होंने एक प्राचीन संस्कृत श्लोक भी कहा था। तो इसके उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से एक संस्कृत का श्लोक भी पढ़ा गया। तो मैं आपको बता देता हूँ कौन सा श्लोक है वो, सुखस्य मूलम धर्म धर्मस्य मूलम अर्थ अर्थस्य मूलम राज्यम। इसमें यह बताया गया है दोस्तों कि आर्थिक गतिविधि जितनी भी है उसमें जनता की भागीदारी ही सरकार का मेन उत्तरदायित्व है। प्रधानमंत्री जनधन योजना की जो विशेषता है, ग्रामीण और शहरी दोनों देश के पूरे घरों को योजना के तहत कवर किया गया है। हर घर में वित्तीय साक्षरता, क्रेडिट, बीमा और पेंशन तक के पहुंच के लिए कम से कम एक मूल खाते के साथ बैंकिंग योजना को जो है मंजूरी दी गई है। प्रधानमंत्री जनधन योजना का लाभ जो है जमा राशि पर ब्याज प्रदान किया जाएगा दोस्तों। इसमें जमा राशि पे ब्याज प्रदान किया जाता है। दुर्घटना बीमा कवर 1 लाख रुपये है। कोई न्यूनतम शेष राशि अपेक्षित नहीं है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के लिए दावा तभी किया जा सकता है दोस्तों जब रुपए कार्ड धारक ने किसी भी बैंक शाखा, बैंक मित्र या ATM, POS या ईकम इत्यादि में कम से कम एक सफल वित्तीय अथवा गैर वित्तीय लेन देन या तो अपने स्वयं के बैंक से और अथवा किसी दूसरे बैंक अन्य बैंक पर लेन देन करने वाले ग्राहक के रुपए के माध्यम से जो है दुर्घटना की तारीख को शामिल करते हुए दुर्घटना की तारीख से पूर्व 90 दिन के भीतर किया हो। तो इसके अंतर्गत जो है 2019-20 के अंतर्गत CM इस योजना के अंतर्गत जो है शामिल किए जाने के वो पात्र होंगे।
प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों pmjdy.gov.in, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है pmjdy यानी कि प्रधानमंत्री जनधन योजना .gov.in। लॉन्च ईयर 2014 में इसको लॉन्च किया गया था। सेक्टर जो इसके फाइनेंशियल इंक्लूजन इसका मेन सेक्टर है, स्टेट है, यह अभी वर्तमान में एक्टिव है। एलिजिबिलिटी जो है इसकी pmjdy.gov.in स्कीम के तहत ये एलिजिबल है। लॉन्च बाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि प्राइम मिनिस्टर है। मिनिस्ट्री जो इसकी हो गई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। पाँच नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने हाल ही में किस वीज़ा के नियम में बदलाव किया। तो H1 वीज़ा के नियम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से H1 वीज़ा के नियमों में जो है बदलाव किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में H1 वीज़ा के नियम में बदलाव किया। यह एक गैर अप्रवासी वीज़ा है, यह गैर अप्रवासी वीज़ा है जो कि दूसरे कंट्री के जितने भी लोग आते हैं अमेरिका के अंदर, उसके लिए H1 वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है। तो इसे अमेरिकी कंपनियों के विदेशी विशेषज्ञों को नौकरी पर रखने की अनुमति मिलती है। इस वीज़ा के तहत किसी कर्मचारी को अमेरिका में 6 साल तक कार्य करने की अनुमति होती है। दोस्तों H1 वीज़ा जो है आउट ऑफ कंट्री यानी कि अमेरिका के अंदर दुनिया के जितने भी अलग दूसरे देशों से लोग आते हैं, कर्मचारी जो कि अमेरिका में काम करते हैं, उनको H1 वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है, जिससे वे 6 साल तक अमेरिका में रहकर कार्य कर सकते हैं। तो उसको लेकर के H1 वीज़ा के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। H1 वीज़ा इन द यूनाइटेड स्टेट अंडर द इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट सेक्शन 101। तो ये जो H1 वीज़ा है वो अमेरिका की जो एक्ट है, धारा उसके सेक्शन 101 के अंतर्गत आता है, जिसमें कि है आप अदर कंट्री से हो तो अमेरिका में जा कर के इस वीज़ा के अंतर्गत 6 साल के लिए वहाँ पर रह कर के काम कर सकते हो। दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने राजस्थान न्यायिक सेवा में अति पिछड़ा वर्ग को कितने प्रतिशत का आरक्षण देने के लिए मंजूरी दी है। तो राजस्थान सरकार की तरफ से 5% जो है आरक्षण दिया गया अति पिछड़ा वर्ग को। राजस्थान सरकार ने राजस्थान न्यायिक सेवा में अति पिछड़ा वर्ग को 1% से बढ़ाकर, पहले जो इसमें आरक्षण की व्यवस्था थी अति पिछड़ा वर्ग के लिए वह 1% थी, अब उसे बढ़ाकर के 5% तक कर दिया गया है, जिससे राज्य के गुर्जर समेत बंजारा गड़रिया आदि कई अति पिछड़ा जितनी भी अभ्यर्थी हैं उनको इस योजना से लाभ मिल सके। राजस्थान के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। कंट्री इंडिया हो गया, एस्टेब्लिशमेंट राजस्थान की जो स्थापना हुई है दोस्तों 30 मार्च 1949 को इसकी स्थापना हुई है। 30 मार्च 1949 को राजस्थान की स्थापना हुई। कैपिटल जो इसकी राजधानी है जयपुर है। सबसे बड़ा शहर भी, लार्जेस्ट सिटी भी जो है यहाँ का जयपुर है। डिस्ट्रिक्ट हो गया यहाँ अजमेर हो गया, अलवर हो गया, बंसवारा हो गया, बरन हो गया, बरमेर हो गया, भरतपुर हो गया, भिलवाड़ा हो गया, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़। ये कुछ जो कि ये राजस्थान के कुछ डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम मैंने आपको पढ़ के बताया। गवर्नमेंट के बारे में जान लेते हैं। यहाँ के जो गवर्नर, यहाँ के जो राज्यपाल वह कलराज मिश्रा यहाँ के राज्यपाल है। राजस्थान के राज्यपाल है कलराज मिश्रा। और चीफ मिनिस्टर जो यहाँ के हैं अशोक गहलोत यहाँ के चीफ मिनिस्टर है। लेजिस्टर यूनिकैमरल 200 सीट यहाँ पे है। पार्लियामेंट्री में यहाँ पे 10 राज्यसभा के सीट और लोकसभा के टोटल 25 सीट। हाईकोर्ट जो है का राजस्थान हाईकोर्ट है। एरिया क्षेत्रफल यहाँ का 342,239 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ का जो क्षेत्रफल है 342,239 वर्ग किलोमीटर है। एरिया रैंक जो है आपको पता होगा दोस्तों, पूरे भारत में क्षेत्रफल के मामले में जो राजस्थान है सबसे टॉप पर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों राजस्थान है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एरिया रैंक है पूरे भारत के अंदर सबसे पहला राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, फर्स्ट नंबर पर है। और यहाँ की जो जनसंख्या है दोस्तों, और एक छः करोड़ 85,48,437 है जो कि पूरे भारत में 7वें स्थान पर है। 7 नंबर क्वेश्चन होगा, भारत को अगरबत्ती उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए किसके द्वारा प्रस्तावित एक अद्वितीय रोजगार सृजन कार्यक्रम को जो है मंजूरी दी गई। तो खादी और ग्राम उद्योग आयोग की तरफ से जो है अगरबत्ती उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो है अद्वितीय रोजगार सृजन कार्यक्रम को जो है मंजूरी दी गई है। खादी और ग्राम उद्योग की तरफ से जो इसे मंजूरी दी गई है। इस कदम से जो दोस्तों अगरबत्ती व्यवसाय को बढ़ावा देने और क्षेत्र में आयात घटाने में जो दूसरे देशों से इसे मंगाना पड़ता है या दूसरे देशों से इसे मंगाना पड़ता है उसमें भारत जो है आत्मनिर्भर बन सके, इसको लेकर के खादी और ग्राम उद्योग आयोग की तरफ से इस प्रस्तावना को जो है मंजूरी दी गई है।
खादी और ग्राम उद्योग आयोग के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इज ए सेचुएटरी बॉडी फ्रॉम इन अप्रैल 1957 जो इस 1957 से जो है दोस्तों इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन 1956 के एक्ट के तहत इसकी जो स्थापना 1957 ईस्वी में की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज की तरफ से। दोस्तों इसका जो हेड ऑफिस है, इसका जो मेन ऑफिस है दोस्तों वो मुंबई में है और इसके छः और भी जोनल ऑफिस है जो एक दिल्ली है, भोपाल है, बैंगलोर, कोलकाता, मुंबई एंड गुवाहाटी में। इसका मेन ऑफिस है दोस्तों खादी और ग्रामोद्योग का मेन ऑफिस है मुंबई में और 6 रीजनल ऑफिस भी है दोस्तों इसके, दिल्ली हो गया, भोपाल, बैंगलोर, कोलकाता, मुंबई और गुवाहाटी में। इसके जो ऑफिस है टोटल 28 स्टेट में जो है इसके ऑफिस है, जिसके जितने भी इसके जो वेरियस प्रोग्राम्स होते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो इसके ऑफिस बनाए गए हैं पूरे भारत के टोटल 28 राज्य में इसके ऑफिस बनाए गए हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है यूपीएससी यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों, यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है दोस्तों, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यूपीएससी के सिविल सर्विसेज 2019 की परीक्षा में किस राज्य के प्रदीप सिंह ने टॉप किया, तो हरियाणा राज्य के हैं प्रदीप सिंह जिन्होंने यूपीएससी की सिविल सर्विसेज 2019 की परीक्षा में टॉप स्थान जो है टॉप रैंक हासिल किया है, हरियाणा के हैं। यूपीएससी की सिविल सर्विसेज 2019 के एग्जाम में हरियाणा राज्य के सोनीपत के प्रदीप सिंह ने टॉप किया। इस एग्जाम में दूसरे स्थान पर जो है दोस्तों जतिन किशोर है और तीसरे स्थान पर प्रतिभा वर्मा है। तो पहले स्थान पर हरियाणा राज्य के सोनीपत के प्रदीप सिंह है और दूसरे स्थान पर जतिन किशोर और तीसरे स्थान पर जो दोस्तों प्रतिभा वर्मा है। यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग टॉपर प्रदीप सिंह ने बड़ी चुनौतियों से जूझते हुए यह मुकाम हासिल किया दोस्तों। प्रदीप सिंह ने इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर बनने के बाद सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक नौकरी की और इस बीच ही समय निकालकर यूपीएससी की तैयारी करते रहे। तो प्रदीप सिंह जी दोस्तों इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर थे और जॉब करते हुए सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक जॉब करते हुए भी उन्होंने समय निकाल करके यूपीएससी की तैयारी की। और प्रदीप सिंह का जो दोस्तों मानना है कि पढ़ाई को कभी घंटों से तोला नहीं जा सकता और हर दिन घंटे तय करने की जगह साप्ताहिक पाठ्यक्रम तय करके ही पढ़ाई करनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि हर दिन कोई बराबर घंटे पढ़ाई नहीं कर सकता। यूपीएससी टॉपर प्रदीप सिंह ने कहा कि वह सोनीपत के शंभुदयाल मॉडर्न स्कूल में पढ़ाई करते थे। तो प्रदीप सिंह जी शंभुदयाल मॉडर्न स्कूल में पढ़ाई करते थे तो 10वीं में उनके काफ़ी अच्छे नंबर थे, लेकिन 12वीं में स्कूल टॉपर रहे हैं। वह 12वीं में दिन भर या रात भर जाकर पढ़ाई नहीं करते थे, बल्कि उसी समय यह तय करते कि सप्ताह इतना पाठ्यक्रम पूरा करना है। तो उन्होंने वह तय कर लेते थे कि इस हफ्ते जो इतना सिलेबस जो है कंप्लीट करना है, उसके लिए वह दिन किसी भी दिन ज़्यादा घंटे पढ़ाई कर सकते थे और किसी दिन कम घंटे भी पढ़ाई कर सकते थे। तो पढ़ाई करते समय परिणाम पर ध्यान नहीं देना चाहिए दोस्तों, पढ़ाई करते समय फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, अपना जो पूरा फोकस है वह सिर्फ स्टडी पर कंसंट्रेट करना चाहिए। तो ये जो है प्रदीप सिंह की राय है। अगर हम पढ़ते हुए परिणाम के बारे में सोचेंगे तो टॉपर रहना दूर की बात है दोस्तों, शायद सफलता भी हासिल ना हो सके। तो प्रदीप सिंह ने बताया कि जिस तरह से नौकरी करने के बाद आईएएस बनने का लक्ष्य बनाया, तो एक बार सोचा कि नौकरी छोड़ दूँ, पर लेकिन परिवार में पहली बार किसी को सरकारी नौकरी मिली थी और आर्थिक स्थिति को देखते हुए नौकरी छोड़ने से परेशानी हो सकती थी, इसलिए सोचा कि नौकरी करते हुए टाइम मैनेजमेंट के तहत जो है यूपीएससी की तैयारी हो सकती है, सोचकर ही तैयारी शुरू कर दी। ऑफिस में सुबह 9 से 6 बजे तक काम करते हुए उन्होंने लंच में जो है उन्होंने लंच जो उन्हें मिलता था उसमें वह जल्दी खाना खत्म करके पढ़ाई करने लग जाते थे दोस्तों। ऑफिस में काम जल्दी निपटाकर भी पढ़ाई कर लिया करते थे और आते समय घर आते समय वे भी रास्ते में भी पढ़ाई किया करते थे। और इस तरह से उन्होंने तय साप्ताहिक पाठ्यक्रम के अनुसार जो अपना पढ़ाई पूरा किया। प्रदीप सिंह ने बताया कि किसी को पढ़ाई के घंटों से नहीं तोलना चाहिए, यह केवल यूपीएससी के तैयारी के लिए नहीं होना चाहिए बल्कि दोस्तों स्कूल कॉलेज प्रतियोगी परीक्षा 1 ने सभी के लिए इस तरह की पढ़ाई की जाएगी तो शायद ही सफलता आपके हाथ ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको सफलता ना मिले दोस्तों। तो 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों बीसीसीआई ने उम्र में धोखाधड़ी करने पर कितने साल का जो है बैन लगाने की घोषणा बीसीसीआई की तरफ से की गई है। बीसीसीआई दोस्तों बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है दोस्तों बोर्ड क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, ठीक है दोस्तों। तो बीसीसीआई की तरफ से जो उम्र में धोखाधड़ी करने के लिए 2 साल के बैन लगाने की घोषणा की गई है, तो नए नियम जो 2020-21 के नए नियम बने उसमें सीजन में बीसीसीआई ने कहा कि उम्र में धोखाधड़ी करने पर 2 साल का बैन लगाने की घोषणा की है, लेकिन अगर खिलाड़ी अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेता है, अपनी गलतियों को मान लेता है, तो उसकी जो उम्र संबंधी गड़बड़ी है उससे वह बच सकता है, अगर नहीं मानता है तो उसके 2 साल के लिए बैन झेलना पड़ सकता है।
10 नंबर का और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सा देश परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने वाला अरब दुनिया का पहला देश बन गया? तो ये जो देश है वो यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड स्टेट, यूएई, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स की तरफ से जो है परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने वाला यूएई अरब दुनिया का जो है पहला देश बन गया है यूएई। तो संयुक्त अरब अमीरात देश परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने वाला अरब दुनिया का पहला देश जो है बन गया, जिसके साथ हुआ अबू धाबी स्थित परमाणु ऊर्जा संयंत्र की इकाई अब चालू हो गई। तो अब यूएई के अबू धाबी में जो है इसका पहला जो संयंत्र है, पहला जो इसका संयंत्र है उसकी जो है उसको चालू कर दिया गया है। यूएई के बारे में जान लेते हैं दोस्तों, यूएई की जो राजधानी है, कैपिटल जो है इसका, यूएई की जो राजधानी है दोस्तों अबू धाबी, इसकी राजधानी है यूएई की अबू धाबी। डायलिंग कोड जो यहाँ का +971 है, जैसे इंडिया का डायलिंग कोड है +91, इसी तरह यूएई का डायलिंग कोड है +971। करेंसी जो यहाँ चलती है यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, यहाँ पे दिरहम चलती है, यहाँ की जो करेंसी है, जैसे भारत की करेंसी दोस्तों रुपया है, यहाँ पे पैसे जो है रुपया चलता है, तो उसी तरह यूएई के यूनाइटेड अरब इमिरेट्स में जो है दोस्तों दिरहम चलता है। पॉपुलेशन जो यहाँ की जनसंख्या है 96,30,000 के समथिंग है, और प्रेसिडेंट जो यहाँ के खलीफा बिन जायद अल नहयान यहाँ के जो है राष्ट्रपति है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।